जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अयोध्या यात्रा के बारे में और श्री राम जन्मभूमि मंदिर की यात्रा के बारे में। इस वीडियो में हम आपको अयोध्या यात्रा से जुड़ी हुई सारी जानकारियां देने की कोशिश करेंगे, जैसे अयोध्या कैसे जाएं, अयोध्या में कहां पर और कितने बजट में ठहरे, अयोध्या में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, अयोध्या में आप कहां कहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं और दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, एक ही दिन में आप अयोध्या यात्रा को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि अयोध्या घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा और इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये सभी जानकारी एक एक करके डिटेल्स में देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों अयोध्या भारत का एक प्राचीन शहर है जिसे हिंदू महाकाव्य रामायण की स्थापना के रूप में जाना जाता है। अयोध्या को खासतौर पर भगवान श्री राम जी के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे पर बसी एक पवित्र और प्रसिद्ध जगह है। अयोध्या का नाम हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र शहरों में शामिल है, जो कि 9000 साल पुरानी मानी जाती है। अयोध्या जाना जाता है अपने प्रसिद्ध मंदिरों के लिए, जैसे कि यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर काफी प्रसिद्ध है आज के समय में, और यहाँ पर और भी कई सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं और पवित्र नदी भी है। अगर आप भी अयोध्या नगरी की यात्रा को प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप अयोध्या तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो आप अयोध्या तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से अयोध्या तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ जैसे शहरों से डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बुक करके इन बसेस के थ्रू पहुंच सकते हैं। एंड अगर आप ट्रेन के थ्रू अयोध्या तक पहुंचना चाहते हैं तो आप अपने शहर से अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन या फिर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के थ्रू आ सकते हैं। आपको इन रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन की अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। अगर आप अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन तक आएंगे तो आपको ये पास में ही पड़ता है। मंदिर की दूरी लगभग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की ही है। और अगर आप अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के थ्रू आएंगे तो आपको ई रिक्शा के थ्रू 40 रुपए में अयोध्या मेन शहर तक या फिर नया घाट चौराहे तक आना होगा। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू अयोध्या तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अयोध्या एयरपोर्ट, जिसे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, आपको इस एयरपोर्ट तक आना होगा। आपको इस एयरपोर्ट तक के लिए भारत के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। ये एयरपोर्ट अभी कुछ समय पहले ही बनकर तैयार हुआ है एंड यहाँ से कई बड़े शहरों तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी अभी ही शुरू हुई है। आप आसानी से अयोध्या एयरपोर्ट तक भी बाय फ्लाइट आ सकते हैं। तो दोस्तों अब आप अयोध्या पहुँच जाएंगे तो अब बात कर देते कि आप यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था कहाँ पर कर सकते हैं। आपको ठहरने के लिए होटल अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से 400-500 मीटर की दूरी पर ही आपको होटल देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको 500 से 1000 रुपये तक में आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि मंदिर के इनॉग्रेशन के टाइम से होटल के प्राइस थोड़े बड़े हैं। अभी आपको 1 से 2 महीने तक थोड़े प्राइस हाई ही देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको 1000 रुपये तक में भी आराम से होटल मिल जाएंगे। कई कई जगह पर आपको इस प्राइस में होटल मिल जाएंगे, या फिर आप अगर धर्मशाला में ठहरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर धर्मशाला में ठहरने की व्यवस्था भी हो जाती है। यहाँ पर आपको ठहरने के लिए काफ़ी सारी धर्मशालाएँ भी देखने को मिल जाएंगी, जो कि हनुमानगढ़ी मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर और कनक भवन के आसपास में 300 से 400 रुपये तक में भी आपको धर्मशालाएँ देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों ठहरने की व्यवस्था हो जाने के बाद अब बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पर कैसे और कहाँ कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप राम की पेड़ी पर जा सकते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर दीपावली के समय भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है, जिसमें हर साल लाखों दिए जलाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा जाता है। राम की पेड़ी बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर स्थित सरयू नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं, इसलिए आप सबसे पहले इस जगह पर स्नान करके अपनी दिन की शुरुआत कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहीं पर घाट पर काफी सारे मंदिर देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है नागेश्वर मंदिर। ये काफी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना और यहाँ पर स्थित नागेश्वर नाथ के प्रतिष्ठान भगवान श्री राम के बड़े बेटे कुश के द्वारा की गई थी। यहाँ पर आप भगवान नागेश्वर नाथ जी के दर्शन कीजिए और उसके बाद नया घाट चौराहे के लिए जा सकते हैं, जिसे लता मंगेशकर चौराहा भी कहा जाता है। ये अयोध्या नगरी का मुख्य चौराहा है, जहाँ पर आपको ये वीणा देखने को मिलेगी, जो कि 40 फीट लंबी है और इसका वजन लगभग 14 टन का है। उसके बाद आप यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। जहाँ तक जाने के लिए आपको ई रिक्शा के थ्रू जाना होगा, जिसमें आपका 10 रुपये पर पर्सन का किराया लगता है। दोस्तों हनुमानगढ़ी में स्थित हनुमान जी को अयोध्या का चौकीदार माना जाता है, क्योंकि कहते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर में बैठकर ही हनुमान जी पूरी अयोध्या नगरी की देखभाल करते हैं।
और ये मंदिर अयोध्या का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। लंका पर विजय करने के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या आए थे तभी से हनुमान जी इसी स्थान पर विराजमान हैं। और मंदिर तक पहुंचने से पहले आपको रास्ते में प्रसाद के लिए कई सारी दुकानें देखने को मिलती हैं, जहां से आप प्रसाद लेकर और इनकी दुकानों पर अपने शूज रखकर दर्शन करने के लिए मंदिर में जा सकते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 76 सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है, क्योंकि ये मंदिर एक टीले पर स्थित है जहां से पूरी अयोध्या नगरी दिखती है। मंदिर में पहुंचकर आपको दीवारों पर हनुमान जी की चौपाइयां लिखी देखने को मिलेंगी। मंदिर के अंदर आकर आपको काफी अच्छा लगेगा। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने की टाइमिंग कुछ इस तरह से रहती है, और मंगलवार के दिन तो यहाँ पर आपको काफी भीड़ भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको उस टाइम यहाँ पर काफी ज्यादा समय लग सकता है दर्शन करने में। यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आप श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर से श्री राम जन्मभूमि मंदिर की दूरी केवल 500 से 600 मीटर की है। आप उस मंदिर तक पैदल चलकर जा सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का इनॉग्रेशन 22 जनवरी 2024 को होने के बाद से 23 जनवरी से सभी श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर खुल चुका है, और यहाँ पर स्थित श्री राम लला जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। आपको इस मंदिर तक पहुँचने के रास्ते में एक ही रंग की काफी सारी दुकानें देखने को मिलेंगी, और मंदिर के पास में ही आपको हेल्प काउंटर, फ्री आरती पास एंड फ्री लॉकर सर्विस की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। मंदिर के अंदर बैग या फिर किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए आपको यहीं पर स्थित लॉकर में अपना सामान रखना होगा, और उसके बाद आप मंदिर में श्री राम लला के बाल रूप के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। मंदिर की टाइमिंग कुछ इस तरह से रहती है, और अगर आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 बार आरती होती है, जिसकी टाइमिंग कुछ इस तरह से रहती है। आप यहाँ पर अच्छे से दर्शन करने के बाद पास में स्थित अमावा राम मंदिर के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर निःशुल्क भोजन की सेवा होती है। आप वहाँ पर निःशुल्क भोजन कर सकते हैं, और उसके बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर से लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर ही कनक भवन के लिए जा सकते हैं। कहते हैं कि कनक भवन को रानी केकई ने माता सीता को ये भवन मुंह दिखाई में दिया था। मंदिर के अंदर भगवान श्री राम, माता सीता, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी विराजमान है। ये भवन काफी बड़ा है, जिसका आंगन भी काफी विशाल है, और ये भवन काफी खूबसूरत तो है ही, साथ ही इस मंदिर में विराजमान श्री राम और सीता जी भी सोने के मुकुट पहने काफी भव्य दिखते हैं, जिनके दर्शन करने के बाद ही मन को काफी शांति मिलती है। और अंधेरा होने के बाद इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है लाइट्स में, जो कि काफी भव्य लगता है। ये जगमगाता भवन काफी सुंदर दिखाई देता है, आपको यहाँ पर आकर काफी अच्छा लगेगा। आप यहाँ पर अच्छे से दर्शन करने के बाद इस भवन के आसपास में स्थित काफी सारे भोजनालय आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक शुद्ध शाकाहारी भोजन की थाली 80 रुपए से 100 रुपए तक में मिल जाती है, और यहाँ पर अच्छे से भोजन करने के बाद आप दशरथ महल के लिए जा सकते हैं, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ये कनक भवन से। ये महल काफी विशाल है और काफी भव्य दिखाई देता है, जिसकी स्थापना राजा दशरथ ने त्रेता युग में की थी। इस मंदिर में राजा दशरथ जी और उनका पूरा परिवार विराजमान है। मंदिर की टाइमिंग कुछ इस तरह है, दशरथ भवन काफी भव्य तो दिखाई देता है, और इसका आंगन भी काफी बड़ा है, जिसमें कहते हैं कि भगवान श्री राम जी अपने बचपन में खेला करते थे। यहाँ पर आपको थोड़ी देर बैठकर ही काफी शांति मिलेगी, और यहाँ पर अच्छे से दर्शन हो जाने के बाद आप पास में स्थित रामकोट के लिए जा सकते हैं, जिसे राम जी का किला कहा जाता है, और उसका वर्णन रामायण और रामचित्रमानस में भी मिलता है। दोस्तों, उसके बाद आप शाम के समय वापस सरयू घाट पर जा सकते हैं, जहाँ पर करीब शाम 6:30 बजे से आरती शुरू होती है, और ये मंजर भी काफी देखने लायक होता है। आरती में शामिल होकर आपको काफी अच्छा फील होगा और काफी आनंद होगा। आपको शाम की आरती में यहाँ पर जरूर शामिल होना चाहिए। यहाँ पर आरती हो जाने के बाद आप राम की पेड़ी पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको अंधेरा हो जाने के बाद लेजर शो देखने को मिलता है एंड फाउंटेन शो भी देखने को मिलेगा। ये नज़ारा काफी देखने लायक होता है। काफी लोग यहाँ पर लेजर शो को देखने के लिए आते हैं और फाउंटेन शो के नज़ारे को भी देखने आते हैं। काफी अच्छा लगेगा आप यहाँ पर आएंगे तो। अयोध्या नगरी काफी खूबसूरत दिखाई देती है जब आप इस लेजर शो को देखते हैं तो। अयोध्या नगरी की इस खूबसूरती को देखने के बाद आपकी यात्रा भी एकदम यादगार बन जाती है। यहाँ पर अच्छे से समय बिताने के बाद आप एंड लाइट एंड फाउंटेन शो को देखने के बाद आप अपने घर के लिए वापस लौट सकते हैं। अगर आपने वहाँ पर होटल लिया है तो आप उस रात वहाँ पर ठहर सकते हैं, अदरवाइज आप उस रात ही अपने घर के लिए वापस लौट सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप एक दिन में अयोध्या नगरी की यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम सितंबर से लेकर मार्च तक के बीच का रहता है, बिकॉज इस समय यहाँ पर आपको थोड़ी ठंडक देखने को मिलती है, बाकी समय यहाँ पर आपको काफी गर्मी देखने को मिलेगी,
तो आप सितंबर से मार्च के बीच में यहाँ पर आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ का मौसम काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर बात करें कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो आप इस पूरी यात्रा को दो तरह से कवर कर सकते हैं। पहला, आप एक दिन में बिना होटल लिए सुबह से शाम तक घूमकर वापस अपने घर लौट जाइए, इसमें आपका ओनली 500 रुपए से 700 रुपए तक का पर पर्सन का खर्चा आएगा। दूसरा, या तो आप होटल लेकर यात्रा कर सकते हैं, तो इसमें आपका खर्चा 1500 रुपए से 2000 रुपए तक पर पर्सन का आता है, और ये काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर किस तरह का होटल लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी अयोध्या यात्रा से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से अयोध्या यात्रा से जुड़ी हुई सारी जानकारी डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।